बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, इन दी गिवन फिगर मेजरिंग साइड ए बी इज इक्वल टू मेजरिंग साइड बी सी एंड एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। और हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी ई। अब इसमें हमारे पास डायग्राम ये गिवन है, जिसमें जो सेंटर वाला पॉइंट है ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। अब इस फिगर में हमारे पास गिवन है कि जो एंगल ए है ये एंगल ए है और ये एंगल सी है, ये दोनों बराबर हैं। और जो साइड ए बी है, साइड ए बी कौन सी है, ये साइड ए बी, और जो साइड बी सी है ये साइड बी सी है, ये बराबर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दो ट्राइंगल, हमारे पास दो ट्राइंगल है ए बी डी और दूसरा हमारे पास है सी बी ई। अब इन दोनों के दरमियान हमने करस्पॉन्डेंस फाइंड करनी है, इन करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी, ये सॉल्यूशन है हमारे पास, इन करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। सबसे पहले हमारे पास है एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। दूसरा हमारे पास है मेजरिंग साइड ए बी, मेजरिंग साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरिंग साइड बी सी, ये भी गिवन है हमारे पास। अब तीसरा हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये एक लाइन डी ई और ए सी इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट बी पे, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट कर रही है पॉइंट बी पे। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जो ये एंगल बनते हैं आमने सामने वाले, ये या ये जो आमने सामने वाले एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, इनको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन। कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो जो आमने सामने एंगल बनते हैं वो, जैसे ये दो या ये दो आपस में बराबर होते हैं, इसको एंगल एक्स कह देता हूं तो ये भी एंगल एक्स होगा, इसको अगर एंगल वाई कह दूंगा तो ये भी एंगल वाई, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो थर्ड हमारे पास पॉइंट आ गया एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये एंगल बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई। ये हमारे पास कहां से आया, ये है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हमारे पास यहां से है। इसमें अब हम देख सकते हैं कि ये एंगल बराबर है, ये साइड बराबर है और ये एंगल बराबर है, तो ये हमारे पास एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ई। इसका क्या रीजन है, फ्रॉम एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, जब भी दो एंगल और एक साइड बराबर होगी किसी दो ट्राइंगल की तो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हमारे पास आ गया, जो हमने प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया।